लखीमपुर खीरी के लाल ने कमाल कर दिखाया। सीबीएसई की 12वीं कक्षा में किसान के बेटे ने 98.2% अंक हासिल किए और अब उनका अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना साकार हो गया। आपको बता दें कि लखीमपुर के सारासन गांव में खेती बाड़ी करके परिवार का गुजारा चलाने वाले कमलपति तिवारी के बेटे अनुराग तिवारी ने गरीब और मध्य वर्गीय छात्रों के लिए एक शानदार मिसाल कायम की है। अनुराग तिवारी ने सीबीएसई 12वीं कक्षा में 98.2% अंक हासिल किए हैं, जिससे उनका अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का रास्ता साफ हो गया। इन शानदार नंबरों से अनुराग को यूनिवर्सिटी की 100% स्कॉलरशिप मिल गई है। उन्हें ये अवसर यूएस की एक प्रतिष्ठित आईवी लीग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के माध्यम से मिला है। अनुराग अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। अनुराग ने अपने संघर्ष को याद करते हुए बताया कि उनके लिए ये सफर आसान नहीं था। इसमें विद्याज्ञान स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ रहकर उन्होंने मेरी एप्लीकेशन करवाई। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं SAT का, TOEFL का, ये सारे टेस्ट में उन्होंने मेरी मदद की। और फिर उसमें जब मेरे नंबर आए, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस में उन्होंने बहुत मदद की मेरी। और मेरे घर वालों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरी बहनों ने कहा कि जो कुछ तुम करोगे, जिसमें तुम्हारी खुशी है, तुम वो करो। तुम्हें जहाँ ज़रूरत पड़े, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर बाकी दोस्तों का साथ, टीचरों का सहयोग और मेहनत के साथ मैंने जो कुछ किया, उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देंगे अपने साथियों को? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ सबको कि जीवन में सपने देखना कभी ना छोड़े, क्योंकि सपने सच होते हैं। और आप अगर उन्हें सच करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें, वो ज़रूर सच होंगे। और शिक्षा को कभी नंबरों के लिए, डिग्रियों के लिए ना पढ़ें, एक जीवन जीने की कला सीखें, खुश रहना सीखें। गौरतलब है कि अनुराग ने दिसंबर 2019 में स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट यानी SAT में 1370 मार्क्स हासिल किए थे। SAT परीक्षा के जरिए ही अमेरिका के प्रमुख कॉलेजों में एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी की कॉल तो अनुराग के पास दिसंबर में ही आ गई थी, लेकिन गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनुराग को CBSE 12वें रिजल्ट का इंतजार था और अब फुल स्कॉलरशिप मिलने से उनके विदेश में पढ़ाई के दरवाजे खुल गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीमपुर खीरी से शरीक खान की रिपोर्ट।